आज हम एक इंटरेस्टिंग एल्गा का लाइफ साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज वाउचेरिया। ये एक बहुत ही कॉमन एल्गा है। इसकी पूरे वर्ल्ड में 54 स्पीशीज को आज तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और जहाँ तक इंडिया की बात है, आज तक इंडिया में इसकी 19 स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई है। जैसा कि हम जानते हैं, सारे एल्गी एक्वेटिक होते हैं, कुछ एल्गी फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ मैरीन वाटर में होते हैं, बट वाउचेरिया एक इंटरेस्टिंग एल्गा है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि इसकी स्पीशीज फ्रेश वाटर होने के साथ साथ मैरीन भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं वाउचेरिया हेमेटा की, तो ये सी वाटर में ग्रो करता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ स्पीशीज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी मिलती है, जैसे वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस, ये डैम्प सॉइल पर, नमी युक्त भूमि पर ग्रो करता है। और जब ये नमी युक्त भूमि पर ग्रो करता है, तो ये भूमि पर एक ग्रीन कलर का मैट बना लेता है, जिस मैट के बन जाने के कारण भूमि जो है, सॉइल जो है, वो स्लिपरी हो जाती है। जहां तक इसकी हैबिट की बात है, तो प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, इसका थैलस स्पेरेंटली ब्रांच्ड होता है, सीनोसाइटिक होता है, साइफोनेशियस होता है। ब्रांच्ड आप जानते ही हैं, शाखाएं बहुत सारी होती हैं। सीनोसाइटिक क्या है कि जब किसी थैलस में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, लेकिन उन न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा फॉर्मेशन ना हो रहा हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसाइटिक। तो वाउचेरिया का थैलस मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सीनोसाइटिक। मोरओवर, थैलस में एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो थैलस की पूरी लेंथ में रन करती है। इसी कारण इस थैलस को हम साइफोनेशियस भी बोलते हैं। सो थैलस इज स्पेरिंगली ब्रांच्ड, सीनोसाइटिक, मल्टीन्यूक्लिएट एंड साइफोनेशियस। इसकी जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती है, उन स्पीशीज में राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से ये सॉइल से जुड़ा रहता है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो प्रोटोप्लास्ट है, वो थैलस की वॉल और इस वैक्यूल की वॉल के बीच में एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहां एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जो इसके न्यूक्लियाई है, वो वेजिटेटिव थैलस में हमेशा वैक्यूल की तरफ होते हैं, जबकि क्रोमेटोफोर्स हमेशा थैलस की वॉल की तरफ होते हैं। फिर से मैं यह बताना चाहता हूं कि वेजिटेटिव थैलस में न्यूक्लियाई हमेशा सेंट्रल वैक्यूल की तरफ होते हैं, और क्रोमेटोफोर्स हमेशा थैलस की वॉल की तरफ होते हैं। जहां तक इस एल्गा के सिस्टमेटिक पोजिशन की बात है, तो फ्रिश ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा था। क्लोरोफाइसी के ऑर्डर साइफोनेल्स में, उसकी वजह थी कि इसमें एक तो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, दूसरा थैलस फिलामेंटस है, तीसरा कि यहां पर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रेजेंट होता है। इन नेचर के कारण फ्रिश ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा, लेकिन स्मिथ ने इसको जेंथोफाइसी में रखा। उसके कारण थे क्योंकि इसमें जेंथोफाइसी के भी फीचर मिलते हैं, जैसे यहां रिजर्व फूड ऑयल होता है, जबकि क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड स्टार्च होता है। दूसरा, यहां पर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है, जबकि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्लोरोफिल ए के साथ हमेशा क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हमेशा डिबेटेड रही है। मोर ओवर, यहां मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहां पर रिजर्व फूड ऑयल है, दूसरा यहां पर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ कुछ जेंथोफिल्स होते हैं। लेकिन जेंथोफाइसी के जो दो कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट होते हैं, साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन, वो यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। तो रिजर्व फूड यहां पर हमेशा ऑयल होता है। लेकिन अगर लाइट बहुत ज्यादा मिल रही हो थैलस को, तो कभी कभी रिजर्व फूड स्टार्च के फॉर्म में भी एक्युमुलेट हो जाता है। जहां तक इस एल्गा के रिप्रोडक्शन की बात है, तो ये एल्गा 3 मेथड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव मेथड बड़ा सिंपल है। अगर ये थैलस एक्सीडेंटली कुछ पार्ट्स में टूट जाए, तो हर एक ब्रोकन पार्ट को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। As far as asexual reproduction is concerned, it always takes place under favorable conditions. The most common asexual process is the formation of zoospore. जब thallus mature हो जाता है favorable conditions में, तो इसकी कोई भी branch
प्रोटोप्लास्ट को एक्युमुलेट करके एक सेप्टम के फॉर्मेशन के थ्रू रेस्ट ऑफ द थैलस से डिफरेंशिएट हो जाती है। इस पार्ट को हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। यहां पर सेंट्रल वैक्यूल खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और जो प्रोटोप्लास्ट है वो यहां डेंसली एक्युमुलेट हो जाता है। यहां इंटरेस्टिंग बात नोट करिएगा कि मैंने बताया था वेजिटेटिव कंडीशन में न्यूक्लियाई जो होते हैं वो वैक्यूल की तरफ होते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो न्यूक्लियाई पेरिफेरी पर आ जाते हैं और क्रोमेटोफोर्स सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करने लगता है, हर एक न्यूक्लियस से दो दो फ्लैजलम डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर एक मल्टी फ्लैजलेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सिंजोस्पोर कहते हैं। यहां मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कंपाउंड स्ट्रक्चर है। इन जनरल जूस्पोर फॉर्मेशन के समय एक प्रोसेस होता है कि जूस्पोरेंजियम के यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट एक जूस्पोर में कन्वर्ट होते हैं, यानी ये जूस्पोरेंजियम जो मल्टीन्यूक्लिएट है ये बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट में डिवाइड होती है और हर एक यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट से एक जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां डिवीजन हो ही नहीं रहा है, सारे न्यूक्लियाई कंबाइंडली कलेक्ट हो गए हैं और एक कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम सिंजोस्पोर कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स कि कंप्लीट जूस्पोरेंजियम से केवल एक मल्टी फ्लैजलेट जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जूस्पोर रिलीज होने के बाद लगभग 15 मिनट तक पानी में तैरता रहता है और उसके बाद किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर जाकर सेटल हो जाता है। इन जनरल जूस्पोरेंजियम से सिम जूस्पोर का लिबरेशन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है। रिलीज होने के बाद ये कुछ समय तैरता है, सेटल हो जाता है, इसके फ्लैजला इससे अलग हो जाते हैं और उसके बाद इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, जर्म ट्यूब्स फॉर्म होती हैं और अल्टीमेटली एक नए थैलस का साइफोनेशियस और सीनोसिटिक थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ स्पीशीज में अनफेवरेबल कंडीशंस होने पर जूस्पोर के स्थान पर एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एप्लेनोस्पोरेंजियम है, ये एप्लेनोस्पोरेंजियम की एक सेप्टम के फॉर्मेशन से रेस्ट ऑफ द थैलस से डिफरेंशिएट हो जाती है। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये थिन वॉल्ड एप्लेनोस्पोर रिलीज हो जाता है और नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में थैलस का प्रोटोप्लास्ट कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, हर सेगमेंट के चारों तरफ थिक कवरिंग डेवलप हो जाती है। इन थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स को हम एकाइनिड्स या हिप्नोस्पोर्स या सिस्ट्स बोलते हैं। जब थैलस में ये एकाइनिड्स बनते हैं तो ये चेन में बनते हैं एंड एट दिस स्टेज वाउचेरिया का थैलस एक अदर एल्गा के समान दिखाई देता है, उस एल्गा का नाम है गोंग्रोसीरा। तो चूंकि इस समय ये एल्गा गोंग्रोसीरा जैसा दिखता है इसीलिए इस स्टेज को हम गोंग्रोसीरा स्टेज भी कहते हैं। जब इस थैलस को कंडीशन फेवरेबल मिलती हैं तो ये एकाइनिड रिलीज हो जाते हैं और हर एक एकाइनिड से नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। कई बार ये एकाइनिड का प्रोटोप्लास्ट यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक सेगमेंट से नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। As far as sexual reproduction is concerned, it is highly oogamous, advanced oogamous type का reproduction होता है ये, जहाँ पर male structure को हम anthridium और female structure को oogonium कहते हैं। दोनों structures एक दूसरे के समीप एक ही branch पर develop होते हैं। Anthridium एक छोटी सी branch के रूप में develop होना start होता है और कुछ ही देर बाद ये एक septum के formation के through rest of the thallus से differentiate हो जाता है। इसके पास में ही ओगोनियम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एट दिस स्टेज ओगोनियम में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, घना होता है, गाढ़ा होता है। इस समय प्रोटोप्लाज्म को हम वंडर प्लाज्म कहते हैं। धीरे धीरे ये उभार, ये ओगोनियल ब्रांच ग्लोबोस हो जाती है और एक कंप्लीट ओगोनियम में परिवर्तित हो जाती है और एक सेप्टम के फॉर्मेशन के थ्रू रेस्ट ऑफ द थैलस से डिफरेंशिएट हो जाती है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंथ्रीडियल ब्रांच ओगोनियम की बीक के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर दोनों की कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाती है। मीनवाइल एंथ्रीडियम के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ये न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बाइफ्लैजलेट एंथीरोजॉइड या स्पर्म या मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और
कॉमन वॉल्व डिजॉल्व हो जाने के कारण जो एक छिद्र या पोर निर्मित होता है उसके माध्यम से वो यूरोनियम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो एंथीरोजॉइड सबसे पहले पहुंचता है वो एग से फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन कर देता है। डिप्लॉइड जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जायगोट अपने चारों तरफ एक थिक लेयर डेवलप कर लेता है और ये स्ट्रक्चर ओस्पोर में परिवर्तित हो जाता है। ये डिप्लॉइड ओस्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस में ऐसे ही पड़ा रहता है। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो इसका न्यूक्लियस मेयोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करके चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। ये न्यूक्लियाई कंटिन्यूअसली डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्रोमेटोफोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और अल्टीमेटली इसके जर्मिनेशन से नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू।